12 साल का बच्चा है और अभी घर में है, तो कह रही मैं चाह रही हूँ बच्चे का रंग थोड़ा, तो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनका जो रंग होता है एक्चुअली वो नहीं रहता, बिल्कुल एक बदल जाता है, मगर अभी थोड़ा घर में बैठने की वजह से उनका बेहतर हुआ है, रंग टैन जो हुआ हुआ था, लेकिन वो चाह रही कोई ऐसा नुस्खा आप लोग बता दें जिससे वो उसको थोड़ा, अभी क्वारंटीन में है तब तक थोड़ा सा और वो उसको बेहतर कर सके। देखिए बच्चों के लिए सिर्फ आप ऐसा करें कि बादाम को पहले है ना, 12 साल का बच्चा जी, आप बादाम को पहले ना पानी में भिगो लिया करें, भिगोने के बाद उसी को आपने ब्लेंड करना है, अच्छी तरह ब्लेंड करना है। अभी भी कीनू मार्केट में कीनू का छिलका बहुत थोड़ा सा लेना, अच्छी तरीके से ब्लेंड किया आप ये लगा लें, कीनू का छिलका लिया और बादाम पिसे, सोक किए हुए बादाम, सोक किए यानी छिलके के बगैर जी, तो ये मास्क बना के, मास्क बना के अच्छी तरह थोड़ा सा ना क्रीमी मिल्की सा हो जाएगा, स्क्रब भी हो जाएगा और जाहिर सी बात है भिगा हुआ होगा तो बादाम का ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। दूसरा ये है कि बच्चों को अगर आप सन ब्लॉक के तौर पे या कुछ लगाना चाहते हैं, पोर्स मिनिमाइजर लगाना चाहते हैं, नेचुरोपैथी में सबसे अच्छी चीज जो है वो कोकोनट वाटर, अच्छा हाँ, जिसका बेस नहीं, जी नारियल का पानी, जिनका बेस नहीं ठहरता उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो चाहते हैं स्प्रे करके और आफ्टर सन बच्चों के लिए कराएं, जैसे खेल कर आते हैं जिनके वाइट धब्बे पड़ जाते हैं तो आपने क्या करना है, खुबानी पहले से दूध में भिगो लेनी, अच्छा जब आए नहाने से पहले उनको अच्छी तरह दूध में भिगोई खुबानी लगाए, और अगर चेहरे पे लगाए तो आपको साबुन की जरूरत नहीं है, तो कितनी देर तक लगा के छोड़, 5 मिनट लगाएं, अच्छा। और बोले जाए तो बच्चों का रंग बेहतर, इससे बहुत ज्यादा वो खेलते मिलते हैं, स्पोर्ट्स करते जा रहे हैं, इस वक्त वो कहीं नहीं बाहर जा सक रहे हैं, तो इस वक्त आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए, जैसे अभी स्ट्रॉबेरी आए हुए, स्ट्रॉबेरी के साथ बनाना मिला लें, अच्छा हाँ बिल्कुल, ये भी बच्चों के लिए आपको स्ट्रॉबेरी से वाइट स्ट्रॉबेरी और बनाना मिला कर फेस पे लगा, बिल्कुल बनाना जो है ना क्या खाते ही रहेगा चाटते ही रहेगा, बिल्कुल छोटा है ना तो हरकतें करते हैं बच्चे, तो ये चीजें हैं बच्चों के लिए बहुत सेफ है। अच्छा होता क्या है कि खाने का सोडा या इस तरह की चीजें आप अगर बच्चों के चेहरे पे लगाते हैं तो ड्राइनेस आ सकती है।